ॐ ग्रव्यो नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ उम् हुं हनुमते नमः ॐ रं रामाय नमः ॐ मातेश्वर्य नमो नमः ॐ नवदुर्गाय नमो नमः ॐ दशमहाविद्याय नमो नमः ॐ अष्टकालिके नमो नमः ॐ अष्टमहालक्ष्म्ये नमो नमः ॐ अष्टमहासरस्वत्ये नमो नमः ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ॐ स्तनदेवि स्तनदेवताय ग्रामदेवताय इष्टदेवि इष्टदेवताय नमो नमः ओम मित्रपुरय नमो नम ओं नमगृह्यो नमो नम ओं दश महाविद्याय दश महा दश दिगपालाय नमो नम ओ स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल रावर किला ओडिशा से मैं आचार्य संजय अभी गुरु बृहस्पति बकरी स्वाभाविक बात है बकरी ग्रह माने और मार्गी माने भिन्न भिन्न पंचांग में कहीं तेईस कहीं चौबीस को बताया गया तो गुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे बकरी से तो क्या फल मिले सबसे पहले गुरु बृहस्पति यहाँ स्तंभित होंगे और फिर गुरु बृहस्पति जो बैक गियर में गाड़ी चला रहे थे फिर फेवर्ड गियर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये पहले समझना ज़रूरी होता है कि बकरी का कैसा फल और मार्गी का कैसा फल गुरु बृहस्पति स्वाभाविक बात है एक बहुत ही बहुत क्या सर्वाधिक पूर्ण शुभ ग्रह हैं और अमृतमय दृष्टि है हमारे ज्ञान का कारक हमारे संतान का कारक धन का कारक कहीं ना कहीं हमारे जीवन के सुख शांति समृद्धि और हर प्रकार के संपत्ति का भी कारक बनते हैं और माताओं की कुंडली में नारियों के कुंडली में पति के भी कारक हैं तो ऐसा गुरु बृहस्पति गुरु माने मीठा भी कहा गया गन्ना भी कहा गया तो मैं इसमें गुरु जी गुरु का वर्णना बहुत ज़्यादा नहीं करते हुए बकरी मार्गी का एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ और फिर उसी के ऊपर मेष राशि से मीन राशि तक का राशि फल अगला अगला विषय में कहूँ क्योंकि हर राशि में सेम चीज़ रिपीट नहीं करके शॉर्ट में बताया जाए उसका प्रयास रहेगा इसलिए बकरी ग्रह का किस प्रकार का फल होता है और बकरी होने से हमें क्या लाभ मिलता है या नुकसान होता है स्वाभाविक बात है सब कोई बोलते हैं कि गुरु बृहस्पति अगर शुभ ग्रह बकरी हो जाए मतलब शुभ को उल्टा हो तो क्या हो गया अशुभ तो क्या बकरी बृहस्पति अशुभ भी होते हैं क्या उनका अशुभ फल भी मिलता है स्थान विशेष में मिलता है और अगर आप प्रैक्टिकली जब लोगों के कुंडली में फलित होते हुए देखेंगे करते हुए देखेंगे तो दिखाई देता है और जब किसी के कुंडली में गुरु अशुभता लिए बैठे हों फिर उसके ज़िंदगी में सुख कौन देगा भाई आनंद मजा मस्ती कौन देगा भाई क्योंकि एक ही है जो सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और ये जब बकरी हो जाते हैं निचस्त हो जाते हैं पाप ग्रह से युद्ध हो जाते हैं पाप ग्रह से दृष्ट हो जाते हैं पाप कर्तरी में फंस जाते हैं छः आठ बारह में निचस्त या पीड़ित होकर बैठ जाते हैं तो फिर ऐसे जातक के जीवन में ढेर सारे समस्याएं आके खड़े हो जाते हैं गुरु ज्ञान गुरु विद्या और जिसके कुंडली में जैसा गुरु होता है उसको ऐसा ही गुरु मिलता है एकदम पक्का आप अपने जीवन में देख सकते हैं अगर आपके कुंडली में गुरु स्वगृही हैं तो आपको जो गुरु मिलेंगे स्वगृही मिलेंगे और शत्रुगृही हैं तो देखना आपका गुरु ही पीड़ित रहेगा जिसको भी आप दीक्षा लेने के लिए ले जाओगे आपका गुरु निचस्थ होके पड़े हैं तो आपको नीच गुरु ही मिलेंगे आपका गुरु बकरी है तो आपके जीवन में जो गुरु आएंगे वो बकरी वाले आएंगे टिढ़ा गुरु आएंगे पक्का है आप सीधा गुरु को तो गुरु बना ही नहीं सकते जिसका कुंडली में गुरु जीरो जीरो है नीच है मर गया है गुरु का हालत खराब है हो सकता है अगुरा होके रहे Clear. अच्छा बकरी गुरु होने से होता क्या है बकरी गुरु होने से ये होता है बोलते यार गुरु बकरी है सब काम रुका हुआ है सब जहां भी घूमो जिसे कोई भी पंडित से बात करो तो बकरी गुरु बकरी हैं अभी कोई बहुत बढ़िया हल्का आशा नहीं करना चाहिए और गुरु शुद्धि नहीं है अभी शुभकर्मा इत्यादि संभव नहीं है नहीं होगा इस प्रकार के कई प्रकार के बातचीत करने लगते हैं सही बात है गलत तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल एंड पॉजिटिव पार्ट क्या है एक बात बताओ ना। सब कोई आ, अगर ये प्लैनेट बकरी नहीं होते और हम लोग सब फेवर्ड मोमेंट में ही जाते हैं ऐसा है समझ समझो आप। आपका कार हो और उसमें बैक गियर नहीं दिया हो <laughs> कैसा होगा फास्ट गियर नहीं दिया हो दबाया तो सीधा फोर्थ एंड फिफ्थ गियर में चला गया मस्त सब खत्म एक्सीडेंट हो जाता ना लाइफ के साथ भी ऐसा होता है बकरी का फल लाइफ को नेचुरली स्लो डाउन कर देता है उल्टा कर देता है और अगर जैसे अभी देखो मीन राशि मीन लग्न गुरु बृहस्पति बकरी लग्नेश बकरी स्वग्रही तो कैसा होगा सीधा बोलो उल्टा ही समझेंगे <laughs> ठीक है और उल्टा ही दिखाई देगा और अगर मीन राशि मीन लग्न हो और साथ में राहु का महादशा चलता हो फिर भाई बेड़ा गर्द जो लोग होंगे देख लेना ठीक <laughs> है अच्छा क्या होगा आदमी को स्लो डाउन करता है काम को स्लो डाउन करता है होते होते काम रुक जाता है मिलते मिलते रह जाता है अब सोचो सारा काम हो गया एक पेपर खाली साइन मार के निकालना था नहीं मिलेगा बाबू चले गए टाइम खत्म <laughs> क्या ये गलत है नेचुरली आपका जीवन रुके हुए जाता है लेकिन एक बिंदु पे आपको कहूँगा बकरी होना स्लो डाउन होना टेढ़ा होना उल्टा चलना इसके पीछे एक सबसे बड़ा रहस्य है कि हमें रुक के दोबारा सोचने का एक मौका मिलता है क्या हम सही जा रहे हैं क्या चीज़ सही हो रहे हैं और अगर हम अपने को स्लो डाउन कर लें और समझने का कोशिश करें तो फिर क्या गलत और क्या सही वो हमें ऑटोमेटिक अनुभव होने लगता है और अगर सही से गुरु को ट्रैकिंग करोगे और अध्ययन करोगे जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी करते हैं देखना गुरु जब जब शुभ दृष्टि जिन जिन राशियों के ऊपर डालते हैं पक्का बात है उनका बुद्धि उदय होता है सोचो अब एग्जाम्पल देखो गुरु बृहस्पति का सीधा सप्तम दृष्टि कन्या राशि के ऊपर ठीक है गोचर में हो या कुंडली में हो सप्तम बृहस्पति नहीं नेचुरली कुंडली में सप्तम बृहस्पति थोड़ा बहुत अच्छा फल का बात तो नहीं कहा जा सकता है मैं बहुतों को देखा हूँ सप्तम स्थान का विनाश भी हो जाता है गुरु बहुत बड़ा प्लानट है जहां बैठते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ऐसे कहा जाता है कोई कोई सूत्र है कारक अभावना सा लेकिन सब नहीं सब नहीं वो बहुत सारे और भी क्राइटेरिया होने चाहिए तो अब कन्या राशि पकड़ लो कोई उछल कूद कर रहा है टीढ़ा हो गया है <laughs> कन्या राशि पकड़ लो उदाहरण दे रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोई कन्या राशि वाला ध्वंस प्रलय बर्बाद कर रहा है नोटंकी कर रहा है ड्रामाबाज है या कुछ भी और सोचो इस समय गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में हूँ तो दृष्टि कन्या के पर नहीं जा रहा है और जो गुरु बृहस्पति मीन पे प्रवेश किए तो सीधा सप्तम दृष्टि और सप्तम दृष्टि में जब भी प्लानिट देखता है वो फ्रंट दृष्टि रहता है तो उसके अंदर क्या होता है ज्ञान उत्पन्न होने लगता है सद्बुद्धि उत्पन्न होने लगता है और वो जो पास्ट में किया गलती उसमें से वो उभरने लगता है और उसको अरे यार मैं तो गलती कर दिया ऐसा तो नहीं करना चाहिए था हमारा घमंड था हमारे अहंकार था हमारे क्रोध था हमारे मूर्खता था ये गोचर फल रहता है अब क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहे हैं अगर प्लानट आपके राशि के ऊपर लगने के ऊपर रस्पेक्ट करे तो आदमी का बुद्धि उदय होता है अपना गलती को वो खुद अनुभव करता है देखो किसी को समझा समझा के थक गए नहीं समझा तो आप जब भी देख लेना कि एक टाइम आता है वो खुद समझ जाता है वो जो समझने का क्रिया ये गुरु बृहस्पति का अमृतमय दृष्टि कर देता है और उसमें बहुत लोगों का जो बुद्धि भ्रष्ट रहते हैं ना उनको लाख समझाओ अरे यार ये मत करो ऐसा मत करो ये गलत है जो लोग नहीं समझते होते हैं वो फिर धीरे धीरे समझ जाते हैं क्लियर हो गया बात समझ में आ गया दूसरा ये कि हम पकड़ लो कोई काम प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट कर रहे हैं बड़ा धड़ल्ले से पैसा वैसा धूम मिल रहा है और काम चल रहा है आदमी के अंदर घमंड हो गया है क्रोध हो गया है और थोड़ा सा किसी का सुन नहीं रहा है और बकरी प्लानट हो गया काम सब क्या होगा स्लो डाउन रुक जाना होते होते रह जाना अपने लोग दुश्मन हो जाना अपने ही लोगों से अपने पास वाले लोगों से विरोध आना और फिर समस्याएं कोर्ट कचरी माली मकदमा या सोचो कि किसी भी प्रकार के अहतुक समस्याएं तो ये जब एराइज़ होता है तो आदमी का होश ठिकाना आता है तो कौन किया गुरु किया गुरु का काम है ज्ञान देना तो ज्ञान देते हैं ठीक है लेकिन जब बकरी हो जाते हैं तो बकरो ज्ञान दे देते हैं ठीक है ये डिपेंड करता है कि गुरु बृहस्पति अभी मार्गी होने जा रहे हैं ये तेईस चौबीस को भिन्न भिन्न पंचांग का भिन्न भिन्न मत है और वो अख्यांश द्राघिमा लॉन्गीच्यूट लाटीच्यूट के ऊपर भी निर्भर करता है अलग अलग डेट रहता है पंचांगों में तो चलो जिस दिन भी करे तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस जब भी कर रहे हैं करने तो नामें क्या मतलब है लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सभी का अच्छा काम बनने वाला है रुके रुके काम बनने वाला है बहुत बढ़िया राजयोग जो अब तक फलित नहीं हो रहा था वो फलित हो जाएगा ठीक है और जिसका जो भी काम रुका पड़ा था वो अब खुलने वाला है क्योंकि जो गुरु बृहस्पति थे वो आए मीन राशि में अपने घर में अब आदमी जब अपने घर में आता है कैसा रहेगा बताओ बहुत दिन बारह तेरह साल के बाद मैं अपना घर पहुंचूं कैसा लगेगा बहुत आनंद आएगा ना मज़ा आएगा ना और मीन राशि मोक्ष का राशि है द्वादश स्थान का राशि है और ये ऑलरेडी मेरा वीडियो में है उसको ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा अभी बड़ा लंबा उसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी हैं मूल राशि है द्वादश का है मुख्य स्थान है, है धर्मस्थान है जल है गहरा जल है और शुद्ध जल है और मेन राशि जलीय राशि है ये सारा आप सबको बोल चुका हूँ सोचो दो ढाई हजार दो हज़ार समथिंग वीडियोस ऑलरेडी दे दिया तो उसको बार बार बोलूँ मज़ा नहीं आता तो अब क्या इस कंटेक्स्ट में क्या फल होने वाला है वहाँ पर सीधा फोकस करते हैं सबसे पहला रुका हुआ काम बनेगा दूसरा विवाह आदि जो काम रुके पड़े थे धड़ाधड़ धड़ल्ले धड़ा से मिलने वाले हैं और गुरु बृहस्पति का दृष्टि जिन जिन राशि पे जा रहा है कर्क राशि पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि कन्या में और नवम दृष्टि स्वाभाविक वृश्चिक में इनका तो बढ़िया और कल्याण करके जाने वाले हैं सुपर कल्याण होने वाला है बाकी राशियों को भी तो गुरुदेव देंगे गुरु तो सबका गुरु होता है गुरु को मानो तो भी गुरु नहीं मानो तो भी गुरु गुरु तो हृदय में मदान्यता और विस्तारता और विशालता ले तो ना गुरु है ना गुरु अभिशाप दे ना गुरु गुरु है उनको क्या पैसा से मतलब और क्या भूमि भवन वाहन से मतलब बस गुरु आनंद में रहते हैं तो गुरुदेव मीन में घुसे चार पाँच महीना में बकरी हो गए तो कहाँ से काम करें नहीं काम कर पाएंगे फिर कर भी लेते तो मकर कुंभ सन मीन शनि बाबा का दृष्टि और शनि का दृष्टि गुरु में आ जाए फिर नेचुरली गुरु के शुभता में कहीं ना कहीं कमी तो होता है अच्छा जब आए मीन में भी ना कर भी लेते कोई प्रॉब्लम नहीं था कुंभ में घुस गया शनि बाबा और मेष में राहु दोनों के बीच में पीस गए पाप करतरी ठीक <laughs> है तो गुरु बाबा काम कर नहीं पाए थे दे नहीं रहा था उनको जो मौका मिलना चाहिए जो अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए ना आप सोचो जिसको जिस डाउन में भेजेंगे वो अच्छा बैटिंग करेगा अगर गलत डाउन में भेजोगे तो नहीं कर पाएगा तो ऐसे ही गुरु बाबा को मौका नहीं मिला था लेकिन ये भी मौका बहुत दिन के लिए नहीं मिल रहा है गुरु बाबा को अभी जो मौका का आप आशा कर रहे हो कि बहुत नहीं लेकिन जो कम समय के लिए मिलेगा यानी जो जनवरी तक मिलेगा चंद दिन है लेकिन देखना भयंकर काम निकलेगा और बड़े बड़े काम का सोल्यूशन होंगे और समाधान निकलेगा तो जो लोग पहले से प्रिपरेशन में बैठे थे और राइट मेहनत किए थे उनका प्रचंड रूप में काम फटाफट धड़ले से एकदम फटफट फटफट साइन करेंगे हाँ ये काम लाओ पार करो पास करो पास करो हटाओ दूसरा फाइल लाओ सारे बिल पास करके रख देंगे जिसका शादी नहीं हो पा रहा था शादी हो जाए जिसका प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट नहीं फुलफिल हो रहा था हो जाएगा जिसका दुर्बुद्धि प्रचंड हो चुका था ठीक है जो लभरा लभरे लोग मेरे को फोन करके परेशान कर रहे थे थोड़ा तंतर मंतर जंतर कर, कर दीजिए मेरा लभरा पाँच साल पाँच दिन से बात नहीं किया तीन महीना से बात नहीं किया चार महीना से बात नहीं किया तो ये पक्का लिख रखो ये लबरा लबरी का भी दिमाग ठंडा होगा अहंकार विद्वेष द्वेष घृणा क्रोध घमंड सारे चूर हो जाएंगे और फिर हृदय में प्रेम और हृदय में अच्छे सद्भावनाएं जागृत होने लगेंगे विश्व पटल में अमृतमय वर्षा होने लगेगा अच्छा हो रहा है ना और गुरु जब जागते हैं ना तो फिर क्या साढ़े साती और क्या ढैया और क्या कंटक और क्या राहु और क्या केतु और क्या ग्रहण गुरु बाबा सबको लाइन पे ले आते हैं अपने प्यार के बल से गुरु क्या जानते हो ना प्रेमदाता या विदम महे गुरु क्या है प्रेम का वर्षा करते हैं और गुरु दीक्षा इसीलिए लिया जाता है गुरु के शरण में इसीलिए जाया जाता है कि हमारे अंदर प्रेम हो शत्रु के लिए भी हृदय में प्रेम हो देखना जो लोग गुरु खेत्री होते हैं ना शत्रु के लिए भी प्रेम रहता है हाँ अगर उनका गुरु पीड़ित हो रहा हो कारक भावानाशाए करता हो पापकर्तरी में फंसा हो पाप ग्रह से दृष्ट और युत हो फिर वो अलग बात है गया काम से गुरु चांडाल बन गया हो अब वहां गुरु तो रहा ही नहीं ना राहु का एक क्वालिटी क्या है ना गुरु से सब को खींच लेगा और राहु बोलेगा मैं गुरु <laughs> जितना कुंडली में देख लेना गुरु गुरु चांडाल दोष होगा मैं बड़ा डरता हूं उन लोगों से कोई गारंटी नहीं मतलब शुभता दिखाएंगे और अंदर प्रचंड अशुभता रहेगा सोचो कि वो दिखाएंगे बड़ा तो बिराड़ी वैष्णव हम लोग बोलते हैं माला वाला पहन के अत बाबा जी लेकिन धंधा करते हैं दलाली का <laughs> अंदर से ठीक है बड़ा खतरा रहे लेकिन सबका नहीं सबका नहीं और हमें से एक थम रूल है कि जब भी कितना भी शुभ ग्रह बृहस्पति शुक्र हो बुद्ध हो चंद्रमा हो दो ग्रह से ज़्यादा पाप ग्रह अगर उनको देखने लगे दृष्टि हुआ या युद्ध हुए फिर उसका सारा शुभता खत्म और अगर राहु के साथ हुआ तो राहु ऑबर्व कर लेता है सारा बात सारा चीज़ को और उसी रूप में आ जाता है फिर वो गुरु के रूप में धोखा फरेब बोलेगा लाओ आपका पैसा से घर बना देंगे और फिर पॉकेट में पैसा मार के पॉकेट में भर देगा बोलेगा देखो ये बीस लाख का घर हुआ है पाँच लाख का भी नहीं हुआ होगा ठीक है सेटिंग वटिंग कर देंगे बोलेगा हाँ ये लोग सेटिंग बाज बहुत बढ़िया सेटिंग कर लेते हैं और बोलते हैं हम तो कुछ नहीं जानते ना ना मंदिर भीतर के रहे बोले आज्ञा मुँह कोदड़ी खाई नहीं ठीक है समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ वो मंदिर के अंदर था भाई कौन है मंदिर में नहीं मैं तो केला खाया ही नहीं यार <laughs> मैं देखा नहीं केला खाया है दिस इज ऑल अबाउट तो ये गुरु मार्गी हो रहे हैं तो अच्छा है लेकिन जो भी जानवरी तक हैं आप सब अगर सही से मेहनत किए हो सही से काम किए हो आपका स्टॉक वर्क ठीक है होमवर्क ठीक है फील्ड वर्क कर रहे थे ब्लॉकेज खा रहा था बाधाएं आ रहे थे अब खुलेंगे ये लिख लो तो बता दिया लबरा लबरी का सॉल्व होने वाला है शादी विवाह का सॉल्व होने वाला है प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट सक्सेस होने वाला है और साथ में जो लोग आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधा था उनका भी सुपरहिट विकास बहुत सारे लोगों को अभी गुरु बाबा मोक्ष के राशि मीन राशि में जब आए हैं तो मोक्ष प्रदान करेंगे मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे हालांकि मोक्ष का प्लानट नहीं है ज्ञान का प्लानट है धर्म का प्लानट है मोक्ष का प्लानट तो एक ही है वो केतु तो ये एक अच्छा वातावरण विश्व पटल में बनने वाला है और सर्वाधिक लाभ अगर मैं किसी को गिनवाऊं तो कन्या वालों को मिलेगा और ये जब तक मार्गी हो के अप टू यहाँ से नवंबर तेईस से लेके अप्रैल तक मार्गी ही चलेंगे हालांकि कुंभ राशि में शनि बाबा घुसने के बाद गुरु बाबा फिर से पापकर्तरी में फंसेंगे कंप्रेस रहेगा लेकिन उसके बावजूद भी उनके दृष्टि से सबको निहाल करेंगे सबका निस्तार करेंगे और बहुत सारे कामों को जो काम अब तक रुका पड़ा था जो कार्य अब तक जो वैज्ञर में था वो सारे खुलेंगे क्योंकि गुरु को मौका नहीं मिला था अब मिला ना आप देखो सब काम निकाल देंगे आपके साथ में यहाँ जो प्लेटफॉर्म अभी लोगों को मैं बता रहा था कि ये जो बहुत बड़ा ग्रहण है दो दो ग्रहण एक महीना में बैठा और ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है आगे का काम के लिए आगे का जैसे मेन बालों को साढ़े साती का झेलना है और कुंभ बालों का सेकंड ढैया मकर बालों का आखिरी ढैया कर्क बालों का ढैया वृश्चिक बालों का ढैया इस प्रकार के और जो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है मीन राशि वालों के साथ एक ओ, उथल पुथल सा माहौल बनने वाला है उसके लिए इस समय मीन वालों को मीन राशि वालों को ढेर सारा शक्ति ढेर सारा ऊर्जा प्रदान करके जाने वाले हैं और एक पॉजिटिव वातावरण बनाने वाले हैं तो स्वाभाविक बात है कि ये गुरु बृहस्पति का मार्गी होना और फिर धीरे धीरे उसी नक्षत्र में आगे जब बढ़ेंगे तो समझ लो कि बहुत सारे आनंद सुख समृद्धि विकास का एक दौर चलना है चलेगा और जो सरकार के प्रति जो बहुत सारे नेगेटिव अभी जो प्रोपागेंडास चल रहे हैं देखना वो भी कहीं ना कहीं शुभता में परिवर्तन होगा जो लोग भी अकड़ू सिंह बन के बैठे थे उनके लिए उनका ज्ञान को वर्धन करने में उनके अंदर होश लाने में उनके अंदर चेतनाओं को लाने में प्रचंड काम करेंगे द्वादश में कालपुरुष कुंडली का बैठ के छठा स्थान में दृष्टि रोग रिपूरण का वृद्धि लेकिन दृष्टि पड़ने के कारण विश्व पटल में कई सारे रोगों का इलाज नया औषधि और यह सबसे ज्यादा आयुर्वेदाचार्यों के लिए अत्यंत उत्तम और शुभ फल प्रदायक है बहुत सारे ऐसे नया औषध या वो आयुर्वेद के धारा बहुत सारे रोगों का समाधान लेके आने वाला है लोगों को बहुत सारे ऋण मुक्ति पैसा दबा के बैठे थे ऋण नहीं दे रहे थे या आपका पैसा गढ़ दबा हुआ है नहीं आ रहा था पैसा आने लग जाएगा और जो लोग शत्रुता से पीड़ित थे विश्व पटल का बात कर रहा हूँ मैं किसी राशि का बात नहीं कर रहा हूँ तो उनका शत्रुता में कमी आएगा कुछ ना कुछ एक समाधान का रास्ता भी निकलेगा और आप देखना यूक्रेन रशिया युद्ध में भी कहीं ना कहीं समाधान का एक प्रयास भले ग्रहण हो भले उसके ऊपर इफेक्ट शनि का भी मंगल का बकरी का भी इफेक्ट पड़े गिरेगा लेकिन एक जो अब तक कोई प्रयास बहुत बढ़िया नहीं बन रहा था इन दिनों में वो प्रयास बढ़िया बनना दिख रहा है समाधान होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी फैक्टर है लेकिन एक प्रयास बनेगा क्यों क्योंकि सबके ज्ञान बढ़ने वाले हैं सबका ज्ञान शुभता लिए आने वाला है तीसरा क्योंकि अकल्ट साइंस के ऊपर भी अष्टम काल पुरुष कुंडली के जो अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि जाएगा वृश्चिक राशि के ऊपर तो बहुत सारे गड़े धन प्राप्त होंगे शुभता लिए हुए अकल्ट साइंस का विकास होगा देखा बहुत सारे अच्छे प्रोडिक्शन और निकल के आएंगे आगे चल के और ये जो भी अकल्ट विज्ञान है गुप्त ज्ञान गुप्त धन गुप्त बुद्धि गुप्त शास्त्र गुप्त जो लुकाई अवस्था में हैं वो नया चीज़ उभर के आने वाला है जो चीज़ नहीं जो चीज़ करने के लिए आए थे वो अब होने वाला है बहुतों का भांडाफोड़ तो होगा और हालांकि गुरु बाबा दंडाधीश तो नहीं है वो तो शनि बाबा हैं वो काम शनि बाबा करेंगे लेकिन न्यायिक क्षेत्र में भी एक रॉकेट डेवलपमेंट मिलेगा और अगर मैं गुरु बाबा का इस समय मार्गी होने के बाद विश्व पटल में सभी का यूनिवर्सियल बात कर रहा हूं भूमि भवन वाहन जिनको जो प्राप्त अभी तक नहीं हो रहा था किसी कारण बसात वो होने वाले हैं होके रहेंगे लोगों के अंदर मन में बड़ा आनंद का माहौल अभी बहुत सारे लोग अहितुक भय में पीड़ित थे उस भय से मुक्ति मिलेगा और जो आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी चल रहा था देखिए वो थोड़ा सा आगे सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप फील कर लेना तेईस चौबीस के बाद सबका बात कर रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सियल एनर्जी से मैं बात कर रहा हूँ कालपुरुष कुंडली से बात कर रहा हूँ अभी किसी राशि के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि शुक्र पीड़ित चल रहा था तो नारी शक्ति पीड़ित चल रहे थे गुरु मार्गी हो गए तो आप देख लेना जितने भी शुक्र का भी जो समस्याएं थे वो समाधान हो जाएंगे और खुद शुक्र अभी वृश्चिक में तेरह तारीख को प्रवेश करने वाले हैं नेचुरली यहाँ बहुत दिन तक तो का गोचर तो नहीं है लेकिन दिसंबर तक तो, तो रहेंगे और गुरु आ जाएंगे वहीं मार्गी हो जाएंगे तो उसका दृष्टि भी हाँ आएगा तो शुक्र जितना सारा केतु के साथ ग्रहण में पीड़ित होके जो भी झाड़ झूड़ के जो निकले थे गुरु का अमृतमय दृष्टि गिरने के कारण नारी सत्ता में जो मैं प्रडिक्ट किया था वहाँ मंगल के साथ वृष राशि में जब मेष राशि और वृष राशि से जब शुक्र क्रस्ट मतलब पार निकल के आ रहे थे उस समय मैं बताया था कि शुक्र यहाँ से पीड़ित हुए इसे मार्केट डाउनफॉल जाएगा तो गुरु कहीं ना कहीं मार्केट ऑफ नहीं करेंगे संभालेंगे ऑफ होने का आसार नहीं है अभी भी क्योंकि ग्रहण लग रहा है मार्केट के ऊपर बाजार के ऊपर लेकिन कुछ ना कुछ एक सुरक्षा एक बैलेंस गुरु अभी मार्केट को जो डाउनफॉल में जा रहा था उससे बचा देंगे तो ये था गुरु बृहस्पति का मार्गी होने का बेसिक फल दस मिनट ग्यारह मिनट का इससे पहले एक वीडियो दिया हूं कुछ लोग मेरे को बड़ा परेशान कर रहे थे आई ठहरो जरा रुक जाओ गुरु को मालिक मार्गी होने दो अब इसके बाद आगे बात करते हैं मेष राशि से मीन राशि तक का राशिफल हर एक राशि का अलग अलग बना देता हूँ धन्यवाद नमस्कार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन और कुंडली विश्लेषण हेतु फिर से कह रहा हूँ व्हाट्सएप करेंगे और नाइन फोर थ्री सेवन फाइव एट जीरो फाइव एट नाइन मेरा पे फोन पे नंबर है और मैं हज़ार रुपया लेता हूँ गौ माता का सेवा के लिए जंगल का निर्माण के लिए बहुत सारे लगाएंगे ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बोल चुका हूँ और समी वृक्ष और बट और पीपल का भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं गौ माता के लिए और गुरुकुल के लिए नहीं ले रहा था लेकिन बहुत लोग परेशान किए फ़ोन कर कर करके तो इसलिए आपको ये फीस देना होगा बाकी यूट्यूब चैनल के साथ संपर्क करने के लिए यूट्यूब में सर्च में जाके के संजय स्पेस कैपिटल जी सेवेंटी फाइव ऊपर तीन बिंदु निकलेगा वहाँ दबाएंगे फिल्टर करेंगे ऑल निकलेगा ऑल की जगह में चैनल दबाइए अप्लाई कीजिए बाकी तेईस चैनल एक लाइन पे आ जाएगा तेईस चौबीस चैनल आपको जिनको उड़िया एस्ट्रोलॉजी चैनल चाहिए इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी चैनल चाहिए स्वास्थ्य गुरुकुल योग नेचुरोपैथी पंचगव्य आयुर्वेद चैनल चाहिए अवेलेबल है हजारों वीडियो हैं कथा, पंचगव्य चिकित्सा कथा आचार्य संजय जी चैनल है आप उसमें ज़रूर फॉलोअप कीजिए और बाकी सारे विषय पे वहाँ पर कृषि के ऊपर प्राकृतिक कृषि इत्यादि के लिए धन्यवाद नमस्कार